नमस्कार बच्चों तो बच्चों आज इस वीडियो में हम लोग क्लास सेवन संस्कृत का एक सैम्पल क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं ये केंद्रीय विद्यालय का पेपर है आपका जो कि बच्चे मार्च 2021 में एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए एक सैंपल है कि किस तरीके से आपका पेपर आएगा और कैसे आपको उसको अटेम्प्ट करना है तो मैं अभी आपको पूरा पेपर दिखाऊंगी साथ में आंसर्स के कुछ हिंट भी दूंगी लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं इस बार आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगी क्योंकि ऑलरेडी मैं एक पेपर कर चुकी हूँ इससे पहले जो लास्ट ईयर का पेपर था हमने उसमें अच्छे से देखा था कि किस तरीके से आपको पेपर पढ़ना होता है वचन याद करने है विभक्ति याद करनी है तो उसको आप देख लीजिएगा तो वहाँ से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको अभी मैं आपको डायरेक्ट आंसर्स बता देती हूँ आप भी देखिए कि आपको कितने अच्छे से टॉपिक्स क्लियर है कितने अच्छे से समझ में आता है कितने क्वेश्चन के आंसर्स आप कर पाते हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए बेलाइकन को प्रेस कर लीजिए ओके सबसे पहले है आपका एक अपठित अवबोधनम अपठित गद्यांश है पढ़ के आपको उत्तर देने हैं अधो दत्तम अनुच्छेदम पठत प्रश्नान च उत्तरत अधो लिखित जो नीचे दिया गया जो अनुच्छेद है उसको पढ़कर और प्रश्नों के उत्तर भी दीजिए पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए भारतवर्ष है कृषि कृषि प्रधान देश है भारतवर्ष कृषि प्रधान देश अत्र अनेके जना ग्रामेशु निवसंती यहाँ पर बहुत सारे लोग गाँव में रहते हैं कृषिका कृषि कार्य कुे कृषक यानी कि जो किसान है वो कृषि का कार्य करते हैं अन्ना च उत्पादयंती और अन्न का भी उत्पादन करते हैं अन्नम बिना कुतः जीवनम अन्न के बिना कहाँ जीवन है कृषि कार्य बिना कुतः अन्ननाम उत्पादनम भवे तो कृषि कार्य के बिना कहाँ अन्न का उत्पादन होगा अतः ग्राम निवासी ने कृषिका महत्वपूर्ण इसलिए गाँव में रहने वाले जो किसान हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं ग्रामीण स्वे स्वे गृह स्थित एवं कार्याण कुर गांव के जो लोग हैं वो अपने अपने घरों में रहकर भी कार्य करते हैं यथा जैसे कि लोहकारा लोहकार्य दुहार जो है वो लोहे का कार्य करते हैं कुंभकारा घटान रचय कुम्हार जो है वो घड़ों की रचना करते हैं अनेकेशु ग्राम पुझनेशु। ग्रामे ग्रामीण माफ करिए ग्रामेशु जनेशु ये बहुत जैसा लग रहा है जनेशु सुविधा अपनी ना संती और अनेक गांव में जो है विद्युत की यानी कि बिजली की सुविधा भी नहीं है कृषि कार्य क्षेत्र कृषि के कार्य में खेतों में जल सेचनाएँ जल की सिंचाई के लिए विद्युत परम आवश्यक ही विद्युत जो है वो परम आवश्यक है बहुत जरूरी है वस्तुतः असल में ग्राम ग्राम्य जीवनम अति कठिनम भवती गांव का जीवन बहुत ज़्यादा कठिन है परम ग्रामीण अल्पेन एवं संतुष्टा भवंती लेकिन फिर भी गांव के जो लोग हैं वो अल्प में कम में भी संतुष्ट रहते हैं ये आपका पैराग्राफ है अब उत्तर देते हैं इनको एक पदेन उत्तर एक पद में उत्तर दीजिए भारतवर्ष की दृश्य अस्थि भारतवर्ष कैसा है निर्धन है कृषि प्रधान है ग्राम प्रधान है या अर्थ प्रधान है तो हमारा देश कृषि प्रधान देश है अर्थात काफ़ी लोग जो है वो कृषि के कार्य में लगे हुए हैं के अन्नानी उत्पादयंती कौन अन्न का उत्पादन करता है नागरिक तक्षका कृषिका लोकारा लोहकारा तो ये करते हैं कृषिका कहा क्षेत्रेश जल सेचनाएँ का आवश्यक है का क्षेत्र में जल की सिंचाई के लिए क्या जरूरी है तो ये विद्युत जो है बिजली बहुत जरूरी है घटान कह घड़ों की रचना कौन करता है ये कुंभकार अर्थात कुमार करता है अब आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं ग्रामीणा कुत्र स्थित एवं कार्याणी कुरवंती गाँव वाले लोग कहाँ रह कर भी कार्य करते हैं तो गाँव वाले अपने घर में रहकर भी कार्य करते हैं ग्रामीणा स्वे स्वे गृह स्थित व एवं कार्याणी कुरवंती ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है दूसरा प्रश्न है इसमें किम कारणम कृषिका महत्वपूर्ण किस कारण से कृषक जो है वो महत्वपूर्ण है तो इसका कारण ये है कि कृषि कार्य बिना कुतः अन्न नाम उत्पादन भवेत अतः कृषि ग्रामवासी ने कृषि का महत्वपूर्ण कृषि के बिना जो है अन्न का उत्पादन नहीं होगा इसलिए कृषि कृषक जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है अगला प्रश्न है आपका भाषिक कार्य भाषा का कार्य अध्यापी पदस्य संधि विच्छेदम चिन्हुत अध्यापी पद का संधि विच्छेद संधि विच्छेद चुनना है आपको यह है अद्यय अपि अत्र अनेके जना ग्रामेशु निवसन्ति अस्मिन् वाक्य किम क्रियापद यहाँ पर बहुत सारे लोग गांव में रहते हैं इसमें क्रियापद क्या है क्रिया होता है जो काम होता है आपका तो गांव के लोग क्या काम कर रहे हैं रहने का काम कर रहे हैं तो निवसन्ति आपका एक क्रियापद है अन्नानी पदे लिंग गम किम लिंगम अन्नानी जो पद है इसमें क्या लिंग है अन्न अन्न ना तो पुल्लिंग होता ना ही स्त्रीलिंग ये नपुंसकलिंग होता है प्रदत्त अनुच्छेदे उच्चतम शीर्षकम चिन्हुत इसका उच्चतम एक अधिक उचित शीर्षक क्या होगा इस पद का तो कृषि का नाम जीवनम लोह कार्य कुंभकार इनके बारे में ज्यादा नहीं दिया हुआ लेकिन जीवन क्या है कैसा है कृषकों का किसानों का वो दिया हुआ है आपको आगे है आपका रचनात्मक कार्य में आते हैं चित्रम दृष्टवा चित्र को देखकर मंजूशातः पदानी प्रियुज वाक्यानि रचियत इसको देखकर आपको जो है पांच वाक्य रचने हैं पांच नंबर का क्वेश्चन है पांच या कितने यस पांच तो इसको देख लीजिए आप जितने भी वाक्य आप बना सकते हो इसमें जैसे कि बाल बाल कहा बालक जो है वो छत्रम धारियंती उन्होंने छाते को धारण किया हुआ है वो वस्यानम आरोहंती वस्यान को मतलब में चढ़ रहे हैं तो इस तरीके से आप इसके पांच वाक्य बना देंगे अगला प्रश्न है अधोलिखितानी पदानी आदृतीय वाकयानी रचयत इसमें से देखिए आपको ये शब्द उसमें आना चाहिए वाक्य की रचना करनी है पहला है प्रश्न प्रश्न अर्थात प्रश्न अब प्रश्न तो आपके इसमें ज़रूर आया होगा आपका जो पेपर है तो थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हैं ढूंढते हैं शुरू से कहीं प्रश्न शब्द इस्तेमाल हुआ है क्या ये देखिए पहले ही है पहला ही समझता प्रश्न अनिवार्य संति ये रहा एक आपका इसका सेंटेंस तो इसको एज इट इज आंसर में लिख देना स्मार्टली हमने एक तो नंबर पक्का कर लिया यहाँ पर उसके बाद है नवीन मतलब है नवीन है मतलब नए सो पुस्तिका नवीन है अस्ति मेरी जो पुस्तिका है वो बिल्कुल नहीं है नेक्स्ट है प्रातः प्रातः अर्थात सुबह सुबह सुप्रातः मतलब प्रातः उठना उठकर अध्ययन लाभम ददाती सुबह उठकर पढ़ना लाभ देता है फायदेमंद रहता है आगच्छति अर्थात आना शिक्षिका या शिक्षक शिक्षिका लिख देते हैं कक्षायाम आ कक्षा में आ गई आती है आगछती प्रसन्न है अर्थात खुश राम है पुस्तकम प्राप्त पुस्तकम प्राप्त प्रसन्न है भवती राम जो है पुस्तक पाकर खुश हो गया इस तरीके से आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हैं तो मैंने अपनी तरफ से वैसे ही दे दिए इनके अलावा भी जिसमें भी ये शब्द आता हो छोटे से छोटा सेंटेंस भी आप बना लीजिए वो भी सही रहेगा आगे है आपका व्याकरण आता है मंजूषात है समानार्थक पदानी योजियत मंजुषा से इनके समानार्थी पद के साथ आपको इनको मिलाना है आश्चर्य पहले मंजूषा देख लेते हैं पठस्य पढ़ना पठनस्य सॉरी समय समय प्रसन्नता कुछ विस्मय हो जाना यानी कि अचंबित हो जाना कुटुंब कस्य यानी कि से बोलते हैं परिवार मृग बोलते हैं हिरण को आश्चर्यन आश्चर्यन अर्थात विस्मीयन तो ये इसका समानार्थी हो जाएगा उल्लासेन उल्लास मतलब खुशी तो प्रसन्नतया परिवार से तो कुटुंब कुटुंबस्य से कुटुंब से अध्ययन से अध्ययन से पढ़ना यानी कि पठन से पठन से और आखिर क्या है काल है अर्थात समय 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 है और हिरणय अर्थात मृग है ओके तो ये हमारे इनके समानार्थी शब्द हैं नेक्स्ट है मंजुषात विलोम पदानी चित्वा लिखत मंजुषा से विलोम शब्द चुनकर लिखिए शत्रुताया इसका हो जाएगा मित्रताया पुरा मतलब पुराना इसका हो जाएगा अधुना मतलब आधुनिक नया अधूना मानवा यानी कि दानवा दानव मानव का उदार चरिता नाम लघु चेत चेतसाम सुखी न दुखी न तो ये आपके विलोम शब्द हो जाएंगे उसके बाद है आपका उदाहरण अनुसार स्मह शब्द योजित व उदाहरण के अनुसार स्मह शब्द को जोड़कर भूतकालिक क्रिया रचियत भूतकालिक क्रिया की आपको रचना करनी है जैसे अवसत रहना इसको बोलते हैं वसती स्मह अ पठत पठती स्मय आ त्रोटियत त्रोटियती स्मे आ पत पतिसमय आ प्रचित प्रचती स्मे ओके तो इस तरीके से स्मेल लगा के आप इनके मीनिंग इनको बता देंगे आगे है आपका अगला प्रश्न अधोलिखितम पदानाम निर्देशानुसारम पद परिचय लिखत नीचे लिखे पदों का निर्देश अनुसार पद परिचय लिखिए पद लिंग क्या है और विभक्ति क्या है नरस्य नर तो आप जाते हैं जानते हैं पुल्लिंग है सो पुल्लिंग और विभक्ति कौन है स में जिसके पीछे स्य आता है वो षष्ठी विभक्ति होती है आपकी षष्ठी विभक्ति भूषणानी ये है आपका नपुंसकलिंग भूषण और फिर इसमें विभक्ति पहली विभक्ति में भूषणानी से ही शुरू होगा प्रथम माफ करिएगा प्रथम एक सेकंड ये वाला रहेगा प्रथम या फिर द्वितीय दोनों में ही यही यूज होगा आपका नपुंसकलिंग के जैसे आपके शब्द रूप चलते हैं पट धातु तो लृट लकारी लृट होना चाहिए लुट कुछ नहीं होता त्रिषु वचन धातु रूप धातु रूपाणी लिखत इसमें आपके तृतीय वचन तीनों वचनों के आपको रूप लिखने हैं जैसे पठिष्यति पठिष्यत पठिष्य नेक्स्ट है पठिष्यसी पठिष्यसि पठिष्यत पठिष्य ओके okay, जैसे तीते अंति सीधा था चलता है ऐसे लकार में जो है यानी कि फ्यूचर टेंस यानी कि भविष्य काल में आपका शतिसत शि शि शत उसके बाद शामी शाव शामे ऐसे चलता है आगे है कोष्ट केशु दत् दत्तेशु शब्देशु समुचिता विभक्ति योजित वारिक स्थानानी पूरीयत इसमें से पढ़ के आपको समुचित विभक्ति लगाकर इनके आंसर लिखने हैं जैसे विद्यालय विद्यालय का विद्यालय हो गया है है के चारो चारो है चारों 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 तरफ 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 वृक्ष कृष्ण के उनके तो विद्यालय का विद्यालय हो गया तो कृष्ण का कृष्णम हो, हो जाएगा कृष्णम वृक्ष से ऊपरी खग वृक्ष के ऊपर खग है डैश ऊपरी सैनिक अश्व के ऊपर सैनिक है तो इसका अश्वस्य हो जाएगा सेम वही जैसे वृक्ष का वृक्षस्य हो गया षष्ठी विभक्ति में इसका अश्वस्य हो जाएगा आगे ये आपको एक गद्यांश दिया हुआ है ये पठित गद्यांश है आपकी बुक का है इसलिए इसके उत्तर मैं नहीं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाते हैं आप इसको खुद पढ़ लीजिए और नीचे जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर्स आपको बताने हैं वैसे मैं आंसर्स बता देती हूँ पढ़ने के बाद एक पद में उत्तर देना है कि मंत्री किम नगर कारणम नगर आ मंत्री किस कारण से नगर में आया था भ्रमण कर उसको आया था सेतु सेतु के यानी कि पुल के उद्घाटन के लिए सेतु निर्माण है सेतु का निर्माण किया किया था तो होगा यानी कि जो काम करने वाले थे उन्होंने पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है कि अनारिकाया प्रश्नम श्रुतवा पिता किम अवदत पिता ने क्या कहा इसका उत्तर होगा पुत्री नद्या उपरी या नवीन सेतु निर्मित है तस्य उद्घाटनार्थ मंत्री आगती उन्होंने कहा था पुत्री नदी के ऊपर जो सेतु बन रहा है उसके उद्घाटन के लिए मंत्री आ रहे हैं कर्मकारा प्रशस्त्राणी कुत आनयंती कर्मकार जो है वो प्रशस्ति होता है अर्थात पत्थर कहाँ से ला रहे थे सो कर्म करा प्रशस्ति पर्वतभ्य पर्वत से एक सेकेंड सॉरी पर्वतभ्य पर्वतों से ला रहे थे उत्तर हो जाएगा भाषा के कार्यक्रम सेतु पदस्य विशेषण पद गांश प्रयुक्त सेतु के लिए कौन सा एक विशेषण इस्तेमाल किया गया नवीन सेतु कैसा था बिल्कुल नया था पाषाणा पदस्य किम पाषाणी पदम प्रयुक्तम पाषाण अर्थात पत्थर के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल हुआ है उसके लिए हुआ था प्रशस्त राणी उसके बाद ये पढ़ के आपको ये भी आपकी बुक का ही है श्लोक पढ़ के नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर करने हैं आपको ये भी आप खुद ही करेंगे क्योंकि बुक का कोई भी क्वेश्चन मैं आपको नहीं बता रही हूँ यह आपने बुक में पढ़े होंगे उसके बाद मंजूषा पे आ जाते हैं समानार्थी शब्द चुनकर आपको लिखना है भयंकरम इसका इसका हो जाएगा करालम इसका मतलब मतलब भी भी भयंकर होता है जले सलीले सलील मतलब भी जल होता है ये आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा घोट कराज घोट कराज अश्व अर्थात घोड़े को हम लोग बोलते हैं रेखांकित पदानी आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत इस पद से को लेके आपको एक प्रश्नों का निर्माण करना है जैसे कि वसुंधरा बहुरत्ना भवती तो आप लिखेंगे का बहुरत्ना भवती किस में बहुरत्न है का लिखेंगे बस इसकी जगह बहुरत्ना वैसे ही रहने देंगे भवती वैसे ही रहने देंगे बस वसुधा को चेंज करना और पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे ओके संस्कृत ज्ञान विज्ञानी निधि सुरक्षितो अस्ति तो इसमें आ जाएगा निधि की जगह सिर्फ चेंज करेंगे कह संस्कृत ज्ञान विज्ञान में कहा सुरक्षित अस्थिति किसमें सुरक्षित है कर्म करा सेतु निर्माण कुरवंती फुल स्टॉप कर्म करा जो है यानी कि जो काम करने वाले वो सेतु का निर्माण कर रहे हैं तो हम पूछेंगे कौन निर्माण कर रहे हैं तो के के सेतु निर्माणम कुरवंती सलीले नौका सेलती सलील में यानी कि पानी में नौका तैरती है तो पानी में क्या तैरती है तो आप लिखेंगे सलीले का सेलंती सेलती नौका का का हो जाएगा उष्ट्रम भार है वैती, के पर भार है तो आप पूछेंगे किसके पीठ पर भार है तो आप कहेंगे कहा वैती, कौन अपनी पीठ पर भार का वहन करता है ओके okay? ये प्रश्न निर्माण हो गए अगला है आपका यथा योग्यम योजत इनको आपको योजना बना के ये आपकी बुक से ही है इसमें लिखना है जैसे कौटिल्य आप जानते हैं कौटिल्य ने जो है अर्थशास्त्र की रचना की थी तो अर्थशास्त्रम रचियत चिकित्सा चिकित्सा शास्त्रे चिकित्सा शास्त्र में चरक का बहुत बड़ा योगदान रहा है शून्य का आविष्कार किसने किया था ये किया था आर्यभट्ट ने ये मैथ्स में आप पढ़ते होंगे संस्कृत संस्कृत क्या है ज्ञान विज्ञान का एक तरीके से पोषकम है जो उसको पोषण करती है अगला है आपका सूक्तिया सूक्तिया क्या है अब अब युद्ध आय प्रेरियंती वैसे भी लास्ट में यही बचा तो इसमें हम इसकी मैचिंग कर देंगे आगे है आपका आखिरी प्रश्न है कोष्ठ के भ्य समुचितानी पदा ने जितवा रिक्त स्थानी पूरी कोष्टक से समुचित पद को चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए अहम प्रातः मैं प्रातः सह भ्रमणाएँ गच्छन्ति पिताजी के साथ भ्रमण के लिए जाता हूँ तो पिताजी के अर्थात पित्रा सह आगे है कर्मकरा सेतु निर्माणस्य निर्माण से तो खाली जगह भवती कर्मकार जो है उसके निर्माण के लिए तो क्या लिखेंगे करतार है जो है वो बना रहे हैं ये था आपका प्रश्न पत्र थोड़ा हमने जल्दी किया पंद्रह मिनट में फिनिश हो गया है होपफुली फिफ्टीन ही क्वेश्चन आएंगे तो थोड़ा बहुत आपको समझ आया हो कैसे प्रश्न करने हैं किस तरीके से समझना है और बाकी तो संस्कृत में आपको जितने अच्छे रूप याद होंगे उतने अच्छे से आप प्रश्नों को अटेम्प्ट कर पाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रैक्टिस करते रहिए एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम